अच्छा ये मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? व्हाट तो ठीक है, व्हाई जरूरी है, जरूरी है ना, हमें पता होना चाहिए हमें क्यों चार्ज अप होना जरूरी है। आप घर पे जाओगे उसके बाद में कभी ऐसा होगा पूरे दिन आपके पास में टाइम होगा पर कभी आपको ये समझेगा कि यार मैं पढ़ाई उतनी नहीं कर पा रहा हूं जितनी कि मैंने करना चाहिए। मे बी आफ्टर 4-5 डेज यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि यार मैं पढ़ने के लिए तो लोग 14 घंटे पढ़ते पर मैं 10 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। या कभी कभी ऐसा होता है यू विल बी सिटिंग फॉर 14 आवर्स बट इफेक्टिवली आपको 10 घंटे भी नहीं पढ़ाई हो रही है। क्या आपको लगता है बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जितना पढ़ाई करना चाहिए उतनी पढ़ाई आपकी हो पा रही है सच में? मेरा सवाल है आप सभी से कि जितनी आप पढ़ाई कर रहे हो आपको लगता है यू आर गिविंग योर 100%? क्या आपको लगता है कि अगर आप 100% दोगे तो आपके 2-4 घंटे पढ़ाई की और बढ़ेंगे? अरे यार क्या पूछ रहे, डू यू थिंक यू आर गिविंग योर 100%? कहीं ना कहीं कसर अभी बाकी है। वो क्यों होता है मालूम है? कि हम लोग कभी कभी अपने मुद्दों से भटक जाते हैं, हम अपने जीने का मकसद ही भूल जाते हैं कि हम लोग क्या करें। हम लोग उन चीजों में अपने आप को घुल मिला देते हैं जो अपने आसपास चल रही है। इफ यू रिमेंबर व्हेन यू हैड कम हियर इन पुणे दैट टाइम टारगेट वाज टोटली डिफरेंट। अब सोचिए जब आप यहां पे पुणे में आपको जब भेजा गया तो एक बार आपने डिस्कस किया मॉम डैड से, क्या होगा ना, क्या डायरेक्टली यू केम हियर, यू स्पोक टू देम, उस समय क्या बातें हुई? मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, प्लीज अलाउ मी टू गो टू पुणे, राइट? क्या आपको लगता है उस समय आपको जब हाँ बोला गया क्या माँ बाप ने खुशी खुशी हाँ बोला? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मम्मी को जानते हैं आपके अच्छे से, यू नो योर मॉम बेटर, यू नो योर डैड बेटर। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस क्लास में जिन्होंने अपने जिंदगी में एक दिन भी माँ के बगैर बिताया नहीं, पहली बार यहां पे ऐसा कोई है क्या यहां पे? आज तक छोड़ के नहीं रहे कभी एक दिन भी, पहली बार घर से बाहर निकले, सही बोल रहा हूं? और कुछ लोग थोड़ा बहुत एक आध दो दिन ऐसा रह जाते हैं कि मम्मी बाहर गई, पापा बाहर गए, बाकी अदरवाइज आप ऑन एंड ऑफ मम्मी के साथ ही रह जाते हो। आज मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा, आज आप ये समझ के चलिए कि मैं एक बेटे के नाते से नहीं, एक पिता के नाते से बोल रहा हूं। अभी मैं, मेरी एक डॉटर है उसका नाम जियान है, आप जानते ही हो, उसकी उम्र 3 साल की भी नहीं है अब तक, शी हैज नॉट इवन कंप्लीटेड 3 इयर्स ऑफ हर एज। 2.5 से 3 साल के अंदर आई एम सो कनेक्टेड टू हर, आई एम सो अटैच्ड। उसको एक दिन ऐसा ही हुआ, बहुत उसको बुखार हो गया और रात भर खांसने लगी, तो पूरी रात मैं जब कभी मैं रात को इतना थक जाता हूँ ना, मैं ऐसा बिस्तर पे जाने में मुझे आँख नहीं खुलती, विद इन 2 मिनट्स आई कैन स्टार्ट स्लीपिंग, इतना आई एम टायर्ड। ऐसे मतलब अगर मैं बेड पे गिरा कि ऐसा नहीं कि मुझे नींद, ऐसा कभी होता नहीं नींद यार, मैंने आँख लगाई कि मुझे नींद लग जाती। और आपके साथ में भी ऐसा होता बिकॉज हम लोग काम ही इतना करते दिन भर तो इतना नींद नहीं आ रही है, सवाल नहीं, हमको तो नींद चाहिए होती है। उस दिन आई स्टिल रिमेंबर, उसको दर्द हो रहा है, वो खांस रही है, उसको बुखार चढ़ रहा है, पूरी रात भर मैं इस करवट से उस करवट, उस करवट से इस करवट, मुझे लग रहा था मैं क्या करूं और क्या नहीं, पूरी रात भर नहीं सोया मैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी क्लास थी बट आई कुड नॉट स्लीप। वो मैं उस दिन समझा कि मेरी माँ की इतनी मेरे अंदर जान क्यों है। अक्सर माँ कहती ना बेटे तू खाया क्या, तू पिया क्या, आप जब यहाँ पे आए हो बहुत बार कॉल करते हैं आपको और कभी कभी इरिटेशन लगता है, अरे बस कर माँ खा लूंगा मेरी माँ, कितने बार पूछेगी अब। आप जब कॉल करते हैं ना आपको तो शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट यू, शी विल आस्क यू, आपका फोन जब जाता है तो मोस्ट ऑफ दी बातें किस बारे में होती, आपके बारे में होती, बेटा तूने खाया तो खाना तो खाया तो ठीक तो है। शी विल नेवर टॉक अबाउट हर हेल्थ, वो कभी इस 2 से 2.5 महीने के दौरान 3 महीने में जब से आप रह रहे हो वो कभी ये नहीं बोली कि बेटा मैं परेशान हूं, वो माँ है। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को यहां छोड़ता है ना
अभी तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरी डॉटर सिर्फ 2.5 महीने की है, पर अगर वो एक दिन भी अगर नहीं रहती है ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार घर में कुछ मिसिंग हो रहा है मेरे। इट इज़ द बॉन्ड ऑफ ओनली 3 ईयर्स। आपके पेरेंट्स आपसे 18-20 साल के साथ में रह रहे हैं। सोचो जब आपने पूछा होगा कि माँ मैं पूना पढ़ने जा रहा हूँ, वो सिर्फ रोती होगी क्योंकि शी इज नॉट यूज टू इट। हम बेटा और बेटी होने के नाते शायद से समझ ही नहीं पाते कि वो क्या सोच रही है। वो जो सोचती ना सिर्फ बयां नहीं कर पाती, आंखों में से सिर्फ आंसू टपकते हैं उसके, पर आपको बताएंगी शी इज सो बोल्ड, शी विल नेवर ट्राई टू एक्सप्रेस कि उसको कितना दर्द हो रहा है। आप याद करिए, इतने दिनों से जब फोन पे बात करते हो तो आपने अगर पूछा होगा कि माँ तुम्हारी हेल्थ कैसी है, शी विल ऑलवेज से बेटा आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, जबकि वो इंतजार कर रही है आपका आने का घर पे कि बेटा मेरा तू कब आएगा। अभी से आपके फोन आना चालू हो गए होंगे और पूछते हो ना बेटा तू कब आएगा। कितने लोग घर से ऐसे फोन कॉल आ रहे, पूछते हैं ना आपको, क्या पूछते हैं, कब आ रही बेटा तू कब आ रहा है। मैं जब मेरे औरंगाबाद से, मेरा जो सिटी है वो 100 किलोमीटर्स दूर था, मैं पूना से औरंगाबाद जाता था, मेरी माँ को इतनी एक्साइटमेंट होती थी मुझे देखने की, तो मेरी माँ मुझे औरंगाबाद लेने आती थी। जैसे आपके घर पे बस स्टैंड पर, मान लीजिए स्टेशन पे आ जाएंगे आपको लेने के लिए। इतना एक माँ की जान होती है एक बच्चे में, जब आपको यहाँ पे छोड़ा गया ना, उसको पता है उसने दिल पे कितना पत्थर रखा और आपको यहाँ पे छोड़ा है। सर आप कहेंगे माँ की बात क्यों कर रहे हो, बात करूँ किसकी मैं, और हमारे जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है वो। मैं ऐसा मानता हूँ आज जो मैं भी हूँ, जो कुछ भी मैं हूँ, वॉट एवर हु एवर आई एम, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स विच शी हैज टेकन फॉर मी, इट्स बिकॉज ऑफ द सैक्रीफाइस दे बोथ हैव डन फॉर मी। जब मैं 12th में था, मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं सीए बनूं। माँ ने कहा बेटा तुम कोचिंग ढूंढिए, तो मैंने कहा माँ पूना में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो उसके बाद में मैंने जब कहा मम्मा कि मैं पूना जाता हूँ, तो मेरी माँ ने कहा बेटा ठीक है तुम पूना चले जाओ। एक दिन मैं घर पे आता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी माँ रो रही है। फिर मैंने मेरी माँ से पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो, तो बोलते बेटा कुछ नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो आई थॉट शी इज़ राइट, तो मैंने कहा माँ आराम कर लीजिए आप। अगेन एक हफ्ते बाद में वापस मैंने अपनी माँ को पूछा कि माँ तुम कैसी हो, अगेन आई फाउंड हर क्राइंग एंड देन अगेन आई आस्क्ड हर, तो बोलती बेटा कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही दर्द हो रहा है। फिर मैंने पूछा माँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या, तो बेटा नहीं कुछ नहीं ऐसे ही। तो फिर मैंने उनसे पूछा माँ कुछ हो तो बताओ ना मुझे, और तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगी। तो उस समय मेरी माँ कहती बेटा आदत नहीं है ना तुझे छोड़ने की, तो डर लग रहा है। मेरे घर पे फैमिली में ज़्यादा लोग हैं नहीं, वैसे बहुत आजकल क्या है कि आइसोलेटेड फैमिलीज होती है, घर पे कुछ ज़्यादा लोग होते नहीं, आजकल जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। मेरे घर पे भी ऐसे था, मेरे घर पे मेरी माँ, मेरी मम्मी पापा दोनों और मैं, तीन ही लोग थे। बोले बेटा जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तेरे बगैर रहूँगी, आज जो दिन आ रहा है ना तो मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं मैं कैसे रह पाऊंगी। तो मैंने, मेरी माँ और मुझे गले लग के रोने लगी, मैंने कहा माँ ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, मैं औरंगाबाद में पढ़ लेता हूँ करके। तो बोलते नहीं, बोले बेटा अभी अभी तो नहीं बोला, इसके बाद में कभी मत बोलना। मैंने कहा माँ तो अकेले रहेगी, बिकॉज मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो चुकी थी, वो मुझसे बड़े हैं। तो मैंने कहा माँ ऐसे मत बोल, मैं रुकूंगा तेरे साथ में, और तू मेरी वजह से रहोगी मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो कहते नहीं बेटा मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, और हर माँ को यही लगता है अपना बेटा स्टार है। तो मुझे बोलती नहीं बेटा मेरे वजह से तू अपने सपने को मत रोक, मुझे पता है तुझमें बहुत पोटेंशियल है। और उसने निर्णय ले लिया मुझे भेजने का, मुझे कसमें वादे दे दिया कि अब तू इसके बाद में टॉपिक नहीं निकालेगा। जाने का समय आया, मुझे छोड़ने के लिए आई वो। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने भी आए थे यहाँ पे, जो एकोमोडेशन के भी है कुछ लोग हैं। कितने लोगों के पेरेंट्स आए थे छोड़ने के लिए, आए थे ना, और आपने क्या बोला था, माँ रहने दो पापा रहने दो हम जाते हैं, क्या बोलते हैं वो, नहीं नहीं बेटा आता हूँ। I've seen, ये JP है, उसका भी एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। JP आया था यहाँ पे मेरी ऑफिस में पहली बार,
इट वॉज सच एन इमोशनल सीन. वो दोनों तो रो रहे, मैं रो रहा हूं. वो जेपी आपको बाहर से ऐसा दिखता है, सो इमोशनल. वो आया उसके पापा को पता नहीं ऐसा कि बेटे को छोड़ के जा रहा हो और कभी रहा नहीं हो जेपी. और जेपी रो रहा है अलग, और सबसे ज्यादा तो मुझे रोना तब आ रहा है कि उसके पापा रो रहे हैं. उसके पापा को इतना दर्द हो रहा है ना उसके बेटे को छोड़ने के लिए. मुझे इतना बुरा लग रहा है कि यार कैसा ये मोमेंट है करके, मतलब हाउ शुड आई फेस दिस. एंड आई वॉज मिसिंग माई मॉम. एक दिन मेरा भी ऐसा था कि मेरी माँ मुझे छोड़ने आई थी हॉस्टल में. तब का सीन मुझे याद आ गया. औरंगाबाद से पुणे का रास्ता जो है 5 घंटे का होता है. पूरे रास्ते में माँ मुझे निहारते रही, देखते रही और रोते रही पूरे रास्ते में. जब भी मैं उसके पास देखता तो वो अपना चेहरा छुपा लेती और मुझे बताने की कोशिश करती कि वो नहीं रो रही है. अब मुझे समझ नहीं आता हाउ टू फेस दिस. एक दिन अगर आप देखिए अपने आप को, अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं ना, आपका तो आज बहुत दिन बढ़ा जा रहा है. यू फील सो बोरिंग. यही हमारे माँ बाप करते हैं, दे गेट सो बोर्ड बिकॉज आदत है उनको. मैं अपने फैमिली में अगर घर पे जाता हूँ ना, आज घर पे जाता हूँ तो जियाना को पता होता है 9 बजे मेरी बेल बजती घर पे. तो मैं जब बेल दबाता हूँ ना तो मेरे घर के सबसे पहले जियाना के खड़ी हो जाती है. उसको खोलते नहीं आता है, वैसा चैनल गेट बनाया हुआ है, ऐसे आके देखती है. आदत हो जाती है हमें अपने बच्चों की. वैसे आपके माँ बाप को भी आदत है आपकी, और शायद से हम समझ ही नहीं पाते वो कितना अटैच्ड है हमसे. दे आर सो कनेक्टेड विथ यू. आपको अगर यहां पे भेजा था ना, मतलब दिल पे पत्थर रख के भेजा था. मैं 2 दिन नहीं रह सकता, उन्होंने 4 महीने 6 महीने आपको भेजा है यहां पे. वॉट ऑल सेक्रीफाइस दे डू आस्क मी. मैं एक बेटा भी हूं और मैं एक पिता भी हूं, मुझे सब पता है. मैं जब तक किसका पिता नहीं था ना, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि माँ इतना क्यों करती है बेटे के लिए. बट टूडे आई रियलाइज इट कैन बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स. इट इज समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स. ये पैसों वाली बात नहीं साहब. अब चाहे जितने बड़े बन जाओ, उनको अपने से दूर मत करना मेरे भाई. मुझे बड़ा बुरा लगता है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो सीए बन गए, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं. माँ बाप का घर अलग होता है और ये अपने वाइफ के साथ में अलग रहता है. ये दिन मत दिखाना यार. अब अभी कभी भी जब भी आप फ्यूचर में, सारी लड़कियों से भी मेरा निवेदन है, उस लड़के को इसमें मत फंसाना यार कि अपन अलग रहेंगे. आप नहीं जानते उस समय जब अलग वर्ड निकलता है ना, उस माँ के ऊपर क्या बीतती है. मेरे दोस्त के माँ से मिला था मैं. बोले बेटा जिंदगी भर तो ऐसे ही इस चीज के लिए जी रहे थे कि मेरा बेटा सीए बनेगा, आके हम साथ में रहेंगे, साल भर साथ में रहे, शादी की. पहले लगता था कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए दूर गया है, अब तो हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया. आप एक इंसान हो, इंसानों की तरह ही रहना. आपको मालूम है जिंदगी में कुछ चीजें बिकती नहीं है, कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती है. उन लोगों से पूछे है, मैं ऐसे लेक्चर देता हूं तो काफी लोग रोते हैं, मैं भी रोता हूं. ये लेक्चर मैंने कई बार दिया हुआ है, देता हूं, लोगों को भी अच्छा लगता है. पर मुझे रोना था. आप कहेंगे सर आप क्यों रोते हो, मेरी लाइफ का प्रॉब्लम क्या है मालूम. मैं जब भी माँ को याद करता हूं ना, मुझे सिर्फ एक चीज दिल को मेरा एक्सेप्ट नहीं होती, मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा ऐसा लगता है मुझे. मुझे पता है एक ना एक दिन तो हमारा साथ छूटने वाला है.
जब भी मेरी माँ के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ अखरती है कि मैं उसको उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ जितना देना चाहिए। आप भी सोचो, आप कितना टाइम दे पा रहे हो? आपका बचपन अलग था और अभी अलग है। आपको पता है, बचपन में स्कूल में जाने से पहले मम्मी लगती थी, स्कूल में आने के बाद मम्मी। जितना टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम विच यू यूज्ड टू स्पेंड विद योर मॉम डैड, इट हैज बीन ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड, डोंट यू थिंक सो? पहले हर बात के लिए माँ लगती थी। आपको याद है, अपने आप को याद करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हर बात के लिए माँ लगती थी, नहीं लगती थी यार, कम ऑन। मुझे याद है, मैं एक पेन पेंसिल भी नहीं खरीदता था मेरे पापा के बगैर। पापा पेन दिलाओ, पेन लेना बड़ी बात नहीं होती है, पर पापा रहते ना छाती चौड़ी चल के चलते थे। पर आज आप बदल गए हो, डोंट यू थिंक सो? वही माँ बाप जो आपके इतने क्लोज हुआ करते थे, आपने उनको पराया कर दिया। अब आपको कॉलेज के दोस्त अच्छे लगते हैं, क्लास के दोस्त अच्छे लगते हैं, आपको यहीं की बातें अच्छी लगती है। एक जमाने में आप एक भी बात छुपाते नहीं थे, आज घर वालों से एक भी बात शेयर नहीं करते। आप बदले, वो नहीं बदली। मेरी माँ आज भी बोलती है कि मैं छोटा हूं। मेरी दादी माँ मेरे पापा को आज भी बोलती है कि तुम छोटे हो। माँ को हमेशा अपना बच्चा छोटा ही लगता है, और वो वही उम्मीद करती है कि बेटा आज भी मेरे पास में आएगा, मेरे मांडी पे सोएगा, मेरे कंधे से सर रख के सोएगा, मुझे हक करेगा। ये माँ की एक्सपेक्टेशन होती है। पर यू हैव बीन चेंज सो मच, आपको लगता है यू हैव ग्रोन अप, आपको लगता है बड़े हो गए, अब आपको ये सब चीज़ों छिछोरापन लगने लग गई। यू वेंट अवे फ्रॉम देम, फार अवे, पता नहीं एक अपनी अलग दुनिया बसा ली आपने। मतलब ही हो गए, सिर्फ माँ बाप की याद पैसों के लिए आ रही है। अरे हमारा काम है, एक बार तो दिन में कॉल कर लिया कर मेरे दोस्त, पूछ लिया कर कि माँ तो कैसी है। माँ का दिन अच्छा जाएगा रे। एक कल आंटी आई थी मेरे पास में, कौन था मेरे पास बैठा हो देख, कल ही का इंसिडेंट है। आंटी अपने लड़की को लेके आई थी कल, और वो उनको 3 डॉटर है। बोले सर मैं बहुत गरीब हूँ। बोला जी आंटी। बोला इसको क्यों पढ़ाने रहे हो? बोले शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा से थी वो। बोले सर तुम्हारे हवाले में अपने बच्चे को करके जा रही हूँ। बोले सर इसको पास करवा देना ज़रूर। और वो रोने लगी। फाउंडेशन में है वो, आप तभी इंटर में हो। उसने जब एक बात बोली तो मैं रो रहा हूँ अलग, आनंद सर अलग रो रहे, हम दोनों ही बैठे थे वहाँ पे, आनंद सर उधर रो रहे, मैं इधर रो रहा हूँ। वो कहती सर मैं जो यहाँ पे आई हूँ ना सर, मेरे पास पैसे वैसे कुछ है नहीं, इसके पापा कुछ पैसे कमाते नहीं हैं, पर मेरे जो हाल हुए ना जिंदगी में, मैं नहीं चाहते मेरी बेटी के साथ ऐसे हो। तो मैंने पूछा अपने पैसे कैसे जुगाड़े? बोले सर मैं तो बर्तन मांजती हूँ लोगों के घर पे, अभी फाउंडेशन में बैठी हो लड़की, मिलाऊंगा आपसे। वो कहती मेरे जो हाल हो रहे हैं ना जिंदगी में, मतलब आप कैसे पढ़ा रही हो इसको, आपकी इतने हाल खराब है। बोले सर मैं मेरे जैसा नहीं देख सकती उसको, एक माँ ही कर सकती है अपने बेटी के लिए। बोले सर कल मैंने अपना मंगलसूत्र बेचा और उससे मैंने क्लास की फीस जुगाड़ी। मैंने कहा आप सही कह रहे हो। बोले सर बस इसको पास करा देना, मेरे जिंदगी में मेरी इच्छा है कि ये पैसे कमाएं, और इसके छोटे 2 बहनों का तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, पर मैं इसको इतना समृद्ध बनाना चाहती हूँ कि मेरी और जो दूसरी 2 डॉटर है उनके संभालने के लिए कैपेबल हो जाए। आई वॉज स्पीचलेस, ये कौन सी माया है भाई? कहने लगी सर इतने गरीब हैं हम लोग कि हम लोग खाना 4 बजे खाते हैं। मैंने कहा क्यों आंटी? बोले उसमें सवेरे और शाम का दोनों का हो जाता सर। I was shocked।
सर मैं दो टाइम का एक ही टाइम खाऊंगी, बोले सर। और वो मुझे कहती है, बोले सर आपकी फीस का मैं कुछ पैसा आपको अगली बार दूंगी, ये मेरे पास कुछ 18-20 हज़ार रुपये आप रख लीजिए, मैं धीरे करते करते आपके पैसे सारे दे दूंगी। मुझे समझ रहा नहीं, हाउ शुड आई टेलर। मैंने कहा अम्मा मैं उसको संभाल लेता हूँ, मेरी बहन है, आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा, आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे। सारे पैसे उनको वापस दिलवा दिए। मैंने कहा आज के बाद मैं एकोमोडेशन मैं फ्री दे रहा हूँ, वो मेरी बहन है और मैं उसको गोद लेता हूँ, सीए बनने ये भी हो जाएगी ना फाउंडेशन, उसके बाद मैं अपने पास रख लूँगा, इंटरमीडिएट के क्लासेस मैं करवा दूंगा, पर ये सब मत करिए आप। एक कोई माँ, ये माँ ही कर सकती है। बोले सर ये सारी बातें मैंने उनके पापा को नहीं बोली है, चुपके से मैं यहाँ पे आई हूँ। और इतने सैक्रिफाइसेस शायद से एक माँ कर सकती है। ये तो वो चीजें हैं जो बोल रही हैं। ऐसे हमारे घर पे न जाने कितने किस्से होते हैं जो हमें पता भी नहीं है, और हम लोग रंग रलियों में नच गए, पुणे में आए शौकीन हो गए। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं ना, भाड़ में जाए, पुणे हसीन है, रंगीन है, नो प्रॉब्लम। आपके जिस भी शहर में लोग चाहे कोई भी कल्चर मनाए, अपना एक ही कल्चर है, माँ बाप। आज अगर मैं आज भी उठता हूँ तो अपने माँ बाप के पैर छूता हूँ। मेरे माँ बाप कुछ बहुत, मेरी मॉम का एजुकेशन 10th, मेरे डैड का एजुकेशन 9th, 10th फेल है मेरे डैड, पर स्टिल आई फील प्राउड कि वो मेरे डैड है। माँ बाप को एजुकेशन से नहीं नाप सकते आप, उन्होंने जो किया है ना उनकी वजह से मैं यहां पे हुआ आज। अगर वो खुद ही मजे कर लेते ना जिंदगी में तो मैं यहां पे मैं सीए नहीं बनता। ही डिड नॉट थिंक अबाउट हिमसेल्फ, ही नेवर थॉट अबाउट हिज लाइफस्टाइल, माय डैड नेवर थॉट अबाउट हिज क्लोथ्स बिकॉज आई शुड बी हैप्पी। इट डिड नॉट स्पेंड ऑन हिमसेल्फ। आपके माँ बाप को याद करिए आप। समटाइम्स यू मस्ट बी फीलिंग, आपके डैड को बोलते पापा आप एक मोबाइल ले लो, तो बोलते नहीं लेना मुझे। So many times I ask them, Papa, why don't you buy a new phone? Sometimes you feel that ki you are using very good quality phone. Why he is not using that? You feel that aap aise kyun, aap, you can spend more. Aap unko 6 ke badle bolo ki 30,000 ka mobile lena hai. He will not buy it. Aap kuch bhi bolo, aapke liye sab kuch ready hai. But jab aap unki baat karoge, toh phir it is not required. बोलते सब मैं ठीक हूं ना बेटा, मेरा काम चल ही रहा है इसमें, ये तो अच्छा फोन है। लेट इट बी द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फोन और क्लोथ्स, इट विल नेवर बी डिमांडिंग। माँ बाप अलग चीज है मेरे भाई। दुनिया बदल जाए वो नहीं बदलेंगे। मैंने बीत जाते हैं लोगों, माँ बाप से बात नहीं करते। शर्म आना चाहिए उन बच्चों को, जन्म दिया किसने, किससे तुम फाइट कर रहे हो। समटाइम्स पीपल आर एंग्री, समटाइम्स दे डोंट टॉक टू देयर पेरेंट्स, और रीजन क्या होता है, मुझे बाहर जाने को अलाउ नहीं कर रहे। अच्छा, मैं पार्टी जा रहा था जाने नहीं दे रहे। समटाइम्स पीपल डू रिएक्ट सो मच। अरे मुझे समझ नहीं आता, मैं खुद आपको बोलता हूं उनको कुछ ना कुछ तुमसे कंसर्न, इसलिए तुमको अलाउ नहीं किया गया है। कभी कभी आपको लगता नहीं, बहुत बहुत डांटते मुझे, क्या है मुझे बार बार रोकते हैं। अरे कभी माँ बाप बन के देखो तब समझेगा ना, आपको पता भी है जब कुछ। आज के बाद में घर पे जाएंगे, खाना जो भी दिया जाएगा वो इज्जत से खा लेने का, कभी रिएक्ट नहीं करना उसके ऊपर कि माँ क्या खाना बनाया, ये तो सब्जी 3 दिन में रिपीट हो रही है, ये कैसी मुझे पसंद नहीं आई। वो कोई होटल की वेटर नहीं है, वो खाना नहीं है, प्यार है वो, प्यार। वो दिन भर से वेट करती कि तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, वो खाना गर्म बनाती है, ठंडा भी खिला सकती है।
वो वेट करती बेटा आएगा घर पे और तुम आके अपना रिएक्शन दे रहे हो. हैव यू एवर थॉट यू ऑलवेज टेक हर फॉर ग्रांटेड. ये तो प्रॉब्लम हो गई ना. माँ बाप एक तो है, ये तो हम सबके सौभाग्य है कि हमें ऐसे माता पिता मिले. एक दिन ऐसे ही मैं बोल रहा था, एक बच्चा स्टेज पे आ गया, बोले सर ये नौटंकी बंद करिए आप, माँ क्या बाप क्या अपने समझ के बाहर है. आप एक शब्द एक अल्फाज माँ बाप के बारे में मत बोलिए. मैंने कहा क्यों भाई, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे माफ करे. कब से आप कह रहे हो माँ ये होती है पापा ये होते हैं, माँ ये होती है पापा ये होते हैं. अरे मुझसे पूछो सर, जब मैं छोटा था बचपन में मैंने अपने माँ बाप को खोया है. और सर तुम इनको क्या बता रहे हो माँ बाप क्या है, मुझसे पूछो. माँ की झलक के लिए तरस जाता हूं मैं. सर स्कूल में पेरेंट्स डे होता था, मुझे बुलाया जाता था, सारे सबके पेरेंट्स आते थे और मैं अकेला बाजू में बैठकर होता था कि काश मेरी मॉम डैड होते और वो आते. आज हमारे तो वैल्यू नहीं है ना सबके, तो आपको कुछ वैल्यू नहीं है. उनसे पूछिए जिनके नहीं होते, तरस जाते एक झलक के लिए. और हमारे घर पे ये हालत है, हम लोग घर पे जाएंगे ना तो पैर तक नहीं छुएंगे, एक हक तक नहीं करेंगे. बिकॉज आपको ना रोज ही है, कौन सी बड़ी बात है. सबके नहीं होते मेरे भाई. माँ बाप बहुत बड़ी एसेट है, पैसा सब लोगों के पास में होता है, माँ बाप नहीं. और इस लैंग्वेज में बात करते कुछ बच्चे तो आई फील सो सैड अबाउट दैट. मेरी दीदी का ही लड़का है यार, मेरी रियल सिस्टर का लड़का है. आजकल एक कॉन्वेंट का इतना प्रॉब्लम आ गया ना, मे बी जो लेटेस्ट स्कूल आ रही ना, पता नहीं वहां पे वैल्यूज सिखाना ही छोड़ दिया शायद से. माँ बाप को ना रोल ही खत्म हो गया. सर अब बचपन से इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते ना, इनको लगता लाइफ यही है. एक बचाया उसको उस दिन मदर्स डे के दिन. अरे मदर्स डे यार, एटलीस्ट उस दिन तो क्या लेवल पे बात कर रहे हैं, माँ है यार वो. अरे मानता हूं 100% गलत है, किससे बात कर रहा, कौन है. मैंने कहा आज मदर्स डे है, मुझे लगा तो केक लाएगा, तो काटेगा मम्मी के साथ में खाएगा, थैंक्स बोलेगा. मम्मी से आगे झगड़ा कर रहा है, एक दिया बजा के खींच के. तो दीदी का लड़का तो क्या पूजा करो उसकी. मैं मुझे गाली मारे परवाह नहीं है, गलत है तो गलत है. बस तुम्हारी फालतूगिरी सुन लिया हम लोग. तुम मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़े कॉन्वेंट, तुम लोग हिप हॉप हो गए क्या बहुत ज्यादा. तो क्या करें अभी, स्कूल का ट्रेंड बोले यो तो यो अपने घर पे रख, तो तेरी दो गर्लफ्रेंड तो अपने जेब में रख, आईफोन है तो अपने पास में रख, फोर व्हीलर तो अपने पास में रख. माँ बाप है तो माँ बाप है, तू कौन है तू क्या कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. पेरेंट्स आर पेरेंट्स, कम ऑन यार. जनरेशन चेंज हो गया, हल्के में ले रहे माँ बाप को. आज भी मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं बोला कि वो क्या कपड़े पहन रहे हैं, वो क्या साड़ी पहन रही है, नेवर एवर. जैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मैं कौन हूं बोलने वाला यार, मैं कौन हूं. 2 साल पहले अंकिता के डैड एक्सपायर हो गए. उस सारे लड़कियों में आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपकी जिंदगी में जो डैड का रोल है ना उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं है. दैट आई हैव सीन एक्सपीरियंस्ड. जो प्यार एक बाप दे सकता है ना, मां क्या दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता, कोई नहीं. भी आज अभी नेपाल से 2 लड़के आए, वहां पे बैठी थी अभी, गई देखो वहां से 2 लड़के आई थी अभी नेपाल की. यहाँ पे नेपाल से उसके डैड ने 15 दिन पहले आए थे वो डैड यहाँ पे, वो चेक करके गए कि कैसा है रहने को. 3,000 किलोमीटर गिरता है नेपाल यहाँ से, 2,500-3,000. आके जाके अकेला बापू
दो लड़कियों को लेके यहाँ पे आए, बोले सर CA यहाँ से कराना, नेपाल से हैं, अभी ऑफिस में बैठे हूँ। 15 दिन पहले आए चेक करने के लिए, वापस आए छोड़ने के लिए, बोले सर आपके हवाले करके जा रहे हैं। अब तुम क्या बात कर रहे हो भाई, ये सैक्रिफाइस तुम करोगे? साला एक काम करते 10 बार सुनाते मम्मी को आप लोग, अब क्या यही काम करो क्या? बोलते हैं हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज है आपके पास में। आपकी पढ़ाई चल रही है, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट हो रहा, वो नहीं दिख रहा आपको? एक घर से एक सामान लाने बोलते तो उसके लिए 4 बार आप चिल्ला पुकार करेंगे? एक विनती और, मेरा कहना मानते हो ना? अरे हाँ नहीं, जिस दिन भी अगर वो बीमार हो जाए, थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, तो दुनिया के सारे काम गए भाड़ में, ऑफिस भाड़ में, कोई नहीं है। अगर वो बीमार है कभी मत बोलना मेरा दोस्त आ जाएगा, मेरा एम्प्लॉय आएगा छोड़ने के लिए। तो मैं इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया है कि तुम अभी उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़े, तुम्हारा अपॉइंटमेंट उसको लेना पड़े। जब भी बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू गो विद हर और विद हिम। आज सारे काम बाजू में, चलो आज जाते हैं। एक समय होता ना इंसान का, जब हम छोटे थे ना तो हमें चलना उन्होंने सिखाया, आज उनके कदम लड़खड़ा रहे हैं। इट इज आवर टाइम। ज्ञान मत देना मैं तो ऑफिस जा रहा हूं कैसे करूं, सारी चीजें सेकेंडरी, सारी फर्स्ट प्रायोरिटी। दिल्ली में लेक्चर ले रहा था मैं गालिब में, एक 3 दिन का लेक्चर था हमारा, रिवीजन सेशन था दिल्ली में, बस 6 महीने पहले की बात है। एक दिन मेरा लेक्चर हो गया था, सेकंड डे मेरी मम्मी कॉल आया, बहुत सारे मिस कॉल्स दिखे मुझे। तो मैंने एक बार ऐसे पढ़ते पढ़ते, मैं पढ़ा रहा था, मुझे मिस कॉल्स दिखे बहुत सारे मम्मा के। आई जस्ट वेंट आउट एंड आई स्पोक टू माई मॉम, तो माँ ने फोन की शुरुआत रोने से करी, वो बोले तू क्यों चला जाता है मुझे छोड़ के? मैंने कहा माँ कुछ प्रॉब्लम है? बोलते तू मुझे छोड़ के क्यों जाता है? मैंने कहा हुआ क्या माँ? अभी कहा 6 महीने पुराना केस। अचानक से उनकी आंखों में, उनका एक ऑपरेशन हुआ था पीछे, बहुत बहुत दिन पुरानी बात है, एक ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन में क्या हुआ, वो ऑपरेशन वापस से कुछ रिएक्ट हुआ एंड शी स्टार्टेड, नो शी वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, विजन वॉज गॉन, मतलब इस आंख से दिख रहा ही नहीं था। अभी मुझे बता, अपनी चालू आंखें बंद हो गई अचानक से, दिखना ही बंद। तो अभी यार मैं वहां से फील कर रहा हूं कि मैं करूं क्या, अब मैं दिल्ली में वो वहां पे, अब मैं पूरी फील्डिंग लगा रहा हूं ऐसे। लेक्चर को मैंने कहा यार अभी थोड़ी देर में पढ़ा नहीं सकता आपको, पूरी फील्डिंग लगा रहा हूं मैं वहां से बैठे बैठे। पंकज सर को बुलाया कि तुम जाके मम्मी को लेके जाओ, पापा को बोला तुमको जाना पड़ेगा। वहां से पुणे के आई स्पेशलिस्ट का मैंने वो वाघ बोल के उनका अपॉइंटमेंट लिया, सब कुछ कर दिया। माँ का फोन है, मैं नहीं जाऊंगी, तू जब आएंगे ना अपन जाएंगे। और कहती मुझे बहुत डर लगता है, और कहती ये भी है मैं उनके साथ में तो दिखाने भी नहीं जाऊंगी, और अगर तू आएगा ना, अगर उन्होंने कहा ना ऑपरेशन, तो मैं ऑपरेशन भी कर लूंगी, सिर्फ तू साथ में चाहिए मुझे। नहीं गई वो, रात तक समझाया नहीं गया, एसेट की क्लास कैंसिल हो गई, 2 दिन बाद क्लास होगी। फ्लाइट लेके मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे आया, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, वो आई बताया सारी चीजें, अगेन आई वेंट बैक। तुम कौन हो, तुम कितने पैसे वाले हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आज आप ऐसे हो ना, 10 साल बाद आप स्टार बनने वाले हो, 10-20 कोके के मालिक होंगे। उस समय पैसे की आग मत लगाना, तब भी वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, आज भी वो रिस्पेक्ट। माँ बाप आज है कल नहीं। अंकिता से पूछिए आप कभी, अकेले में रोती है वो, सबके सामने नहीं, ऑल ऑफ अ सडन। पापा के साथ में हमारी बहुत मेमोरीज होती है,
छोटे से बचपन से लेके अब तक नहीं गया, ऐसे बड़े नहीं होते अपन स्कूल्स में, स्कूल्स के डेज में, बचपन से सारी चीजें, कहाँ पे आप घूमने जाते हो, कभी पापा गिफ्ट लेकर आते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स सो कनेक्टेड. अचानक से वो इंसान रहता ही नहीं साथ में. बस ओनली 52 का एज था उनका, हार्ट अटैक एंड ही वाज गॉन. हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वाज डेड. मैं चाहे कितना अच्छा रहूं ना, आई कैन नॉट बी द रिप्लेसमेंट ऑफ अ डैड. बाप की कमी नहीं समझ पाएंगे आप. हर लड़की के लिए उसका डैड जो होता है ना, वो हीरो होता है. वो उसको एक आदर्श होता है उसका. और हम लोग कहां जा रहे हैं, सारी चीजें भुला के कर क्या रहे यार, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं. यू ऑल्सो नो यू कैन स्पेंड 3-4 hours मोर एवरी डे ऑन स्टडीज, बट क्या हुआ ना, आप इन रंगरेलियों में इन्वॉल्व हो गए. आप आए थे बराबर, आपको लगने लगा लाइफ में ये सब कुछ भी चाहिए. देखो ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ नहीं किया, मैंने टाइम पास नहीं किया, मैं जिम नहीं गया, ऐसा नहीं है. पार्टीज में भी गया, हर वक्त का एक टाइम होता है. अभी टाइम नहीं है, 3 months आर लेफ्ट, 90 days आर लेफ्ट है, कम ऑन. आग लगना चाहिए, साला ऐसा पढ़ूंगा ना ठोक देंगे. एटीट्यूड में होना चाहिए, मैं मेरे लिए नहीं पास हो रहा हूं, उनको दोनों को खुश करने के लिए पास हो रहा. अरे तुम यहां पे आए तो कितने लोगों को बोलती है वो, तुमने यहां पे टेस्ट में स्कोर किया, पूछो उन लोगों से. मुझे लोग आके बोले सर मेरी मम्मी इतनी खुश हो रही, मैं टेस्ट में रिजल्ट में पास हुआ, मेरे परिवार को तो मान हो गया. हालांकि टेस्ट में नंबर 1 है, एक ट्रॉफी मिली को भी क्लास टेस्ट की, उसके बारे में सबको बोल दिया उन्होंने. मत दुखाओ यार किसी को, किसी ने जब अपने बारे में ना सोचते हो, अपने को इतना कुछ दिया, इट्स आवर टर्न यार, कम ऑन. ये सब जो दुनिया है ना आपके आसपास, दोस्त, ये सब कुछ, ये सारी चीजें टेम्पररी हो जाती है. एक चीज जिंदगी में रहती हो मां बाप की, बाकी लाइफ इज ऑल योर्स. नाउ इट्स योर टर्न टू डिसाइड कि हाउ टू स्पेंड योर लाइफ. करो ना मस्ती करो, मैंने भी किया, सीए किया, सीएस किया, एलएलबी किया, बीकॉम किया, सारी पढ़ाई कर ली मैंने. इसका मतलब नहीं कि मैंने लाइफ में एंजॉय नहीं किया, आई डिड एवरीथिंग, बट हर चीज का टाइम होता है यार. वो 3 महीने के बाद में जब आर्टिकलशिप चालू हो जाएगी तब करना जो शौक करना है. पागल क्या करना है तुझे, लड़की पटाना है पटा ले, लड़का पटाना है पटा लो, मस्ती करना करना, मूवी करना, घूमने जाना, ट्रैकिंग जाना, अरे सारी डिजायर पूरी होगी आपकी. बिकॉज आफ्टर 3 months देयर इज नथिंग टू स्टॉप यू. कम ऑन, after 3 years you are having what, come on, see one attempt. अभी तुम जरा 3 महीने बचे उसमें एक खिचड़ी घुसेड़ रहे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड. और एक बार फेल होने का सिलसिला चालू हुआ ना, 1, 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट कब लगेंगे आपको समझेगा भी नहीं. अच्छा कुछ लोग ही चक्कर नहीं कि उनको लड़के लड़के वाला चक्कर नहीं है, कुछ लोगों को सिर्फ सोना है, कुछ लोगों को फील, दे फील लेजी, दे फील सो टायरिंग. अरे आग लगा पागल बॉडी में, क्या कर रहा है, इस अटेम्प्ट में ठोक दे. जब मैं पास हुआ था ना, यू वोंट बिलीव क्या माहौल था. इधर से मम्मी हक कर रही, इधर से पापा हक कर रहे, हम उछल रहे. मैं पास हुआ, मैं बोला मैं पास हुआ, तेरी मम्मा इधर से हक कर रही, पापा इधर से हक कर रहे, छोड़ा ही नहीं मुझे बहुत देर तक. दोनों रोने लगे, वो अच्छा उनका बेटा पास हुआ था. अच्छा लग रहा था उनको बहुत, उन्होंने जिस मकसद से मुझे भेजा था बहुत मजा आ रहा था उनको. और मुझे उनको रोते हुए देख के मजा आ रही थी कि मैंने मेरे पापा को प्राउड फील करवाया.
मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, अपने बारे में सोचा ही नहीं दोनों ने कभी, ना कि आपके पेरेंट्स सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं करते, वो आपका इग्नोरेंस है। आपको समझने देते नहीं है। कई परिवार में तो लोग, फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहीं पे फाइनेंशियल होती है, कहीं पे कोई हॉस्पिटल वाली प्रॉब्लम होती है, हर एक की अपनी प्रॉब्लम है। कुछ माँ बाप को बीपी होता है, शुगर होता है, कैंसर तक हो जाता है। लोग दिल्ली में लेक्चर दे रहा था उस दिन, तो बहुत रोया मैं, बहुत ज्यादा। लड़का आया मेरे पास में, वो कह रहा सर आपका मैंने मोटिवेशनल लेक्चर देखा है, उस दिन दिया था मैंने, बाहर आया, बोले सर मेरे जो माँ है उनको 4 स्टेज का कैंसर हुआ है और अभी इस समय वो हॉस्पिटल में कीमो चल रहा है। मैंने कहा उनको मालूम है क्या? बोले सर उनको पूरा मालूम है। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले सर क्या लगता है आपको मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से आया क्या? क्या लगता है आपको? मैंने कहा नहीं। बोले सर उसने भेजा मुझे, जा तू पास हो, मैं आज हूँ कल नहीं। इसे माँ कर सकती है? हम लोग में इतना करेज नहीं। हम लोग सारे मतलबी लोग, एक नंबर का मतलब छुपा है बस, मैं, मेरी शौक, मेरी मोबाइल, मेरी सेल्फी, मेरे दोस्त, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा लाइफस्टाइल, यू आर सो अटैच्ड। आपको अपनी चीजें अच्छी लगती है, सिर्फ मैं, तो करते रह जाना मैं। एक दिन आएंगे जब वो नहीं रहेगा तब समझेगा, अरे खुशियां मनाऊं तो किसके साथ मनाऊं, किसको जाके बोलूं मैं सीए हो गया? सारी दुनिया जलती है आपके ऊपर सिवाय आपके माँ बाप के, आपको पता भी है। कभी किसी आंटी को और नेबर को बोलना मैं सीए हो गया, वो सोचती हो मेरा बेटा कैसे सीए नहीं हुआ। सारे रिश्ते झूठे हैं इस दुनिया में। याद करो आप फाउंडेशन में पास हुए थे उस दिन क्या हुआ था। बेटा तुझे तो अभी अभी याद हुआ होगा, अभी तो फाउंडेशन में है, ये फाउंडेशन से अभी पास हुआ। क्या किया था उस दिन? बड़े सैड होंगे उस दिन, हो आपके माँ बाप तो बड़े सैड होंगे उस दिन। क्या किया था उन्होंने? खुश थे क्या? नहीं थे भाई, एक्सट्रीमली हैप्पी। खुशी नहीं देना चाहोगे? अपने बारे में ही सोचेंगे, सोचते रह जाना, बाद में से माँ को फोटो में देखते रह जाना। सर आप इतना गंदा क्यों बोलते हो? सच्चाई कड़वी होती ना हमेशा, अमर रहेंगे वो, मरेंगे नहीं कभी। तुम करते रह जाना अपने शौक, उसकी जिंदगी तो एक एक दिन खो रही है वो, उसका हर बर्थडे उसके लिए नुकसान है। उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, माँ बाप की उम्र देखिए कितनी है, 50, 55, 60 की हो चुकी है। आप चले हो शौक करने, कर लेना शौक अच्छे से, याद मुझे कर लेना बाद में जरूर। सर ने सही कहा था यार, अरे पगलो पास हो जाओ जल्द से जल्द और माँ बाप के साथ में टाइम स्पेंड करो, साथ में रहना, मजा अलग है जो इन फोन में बैटिंग करने में नहीं है ना। याद करो कभी भी कितने दुख में रहे तो आप क्या करते? कितना भी टेंशन में रहना आदमी, से माँ बाप को जगह बोलेंगे मम्मी बहुत ही टेंशन में हो यार, बहुत डर लग रहा है। कभी होता है आपके साथ में ऐसे एग्जाम के पहले, या कभी क्या बोलती माँ? जान दे बेटा हो जाएगा, भरोसा रख, मैं भगवान से बोलूंगी। और जब वो ऐसा करती है, गले लगती ना, ऐसा लगता आधा प्रेशर यहां से कम हो गया। कौन करेगा आपके लिए? किसी के गले मिलने से कुछ नहीं होता, पर वहां पे ऐसा लगता सब सृष्टि ब्रह्मांड इधर ही आ चुका है। वो सुकून है रे, वो हग नहीं करती, वो प्यार बहता है वहां से। ऐसे 50 लोग को हग कर कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहाँ आ गए मेरे दोस्तों? जिंदगी के आसपास के कल्चर से प्रभावित मत होना, ये दुनिया बेकार है।
बेसिक उसूलों को मत भूलिए आप। हमारी जो जड़ है ना, वो जड़ अलग है, संस्कार अलग है, और तुम अलग चीजों की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो। हाँ ना, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। मेरे दोस्त है अमरावती से, जब वो एक्सपायर हो गए उनकी मम्मा, तो मैं गया। पहली बात तो उनका फोन आया मुझे कि किसा कैंसर हो गया करके, वो बहुत रोने लगा, बहुत रोया वो। बोलता है यार कुछ भी कर लो, पैसे ले लो मुझसे, पर मेरे को माँ को बचा दो यार। He was ready to spend everything. बोले पाटनी पूरा पैसा लगा दूंगा, कोई डॉक्टर पता है कि मेरी माँ को बचाएगा? देखा यार मैंने सब सर्च किया, कोई नहीं मिल रहा है। बोलता है कि मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं सब कुछ लुट गया, ऐसा फील होता है मुझे। डॉक्टर कहते हैं कि माँ 10-15 दिन की साथी है, बस जितना वक्त जीना है जी लो। और एक दिन वही हुआ, मैं गया उसके घर। हम बहुत खास दोस्त हुआ करते थे, मुझे देख के बहुत रो पड़ा। 5-10 मिनट तो बेचारे को यही समझ रहा था बोलू क्या, उसकी माँ खो दिया था। ऐसा होता ना, अपना खास दोस्त आया तो दिल का ऐसा लगता कि और कितना दर्द खाली करे। बोलता यार जब वक्त था ना, जब वक्त नहीं था सी करते करते, जब वक्त नहीं था माँ थी, आज वक्त बहुत है माँ नहीं। बोलता है पिछले 15 दिन से मैं घर नहीं गया रे अंदर। आप बताओ घर पे जाने का पहला नाम किसका लेते हो? अरे आवाज आएंगी क्या कुछ? माँ बोलते हो ना, माँ मम्मी कुछ बोलते कि नहीं? घर पे जाने में क्या होता जब माँ नहीं रहती तो? यू थिंक समथिंग इज मिसिंग द हाउस। घर ही नहीं असर तो हवेली में आ गए हम किधर, तो शी इज नॉट देयर, यू फील एवरीथिंग इज मिसिंग। वो भी वही कह रहा था मुझे, बोलता घर पे जाने का मन नहीं होता रे। बोले मैं जाता घर पे तो मेरी माँ पहले 2 बार मेरे चेहरे से ऐसा हाथ उतारती, मुझे बैठाती, 2 बार पूछती बेटा पानी पिएगा। मैं जब तक घर पे ना पहुंचती वो जगती, क्योंकि मैं आने वाला हूं। अपना कोई जगने वाला है ना पानी पिलाने वाला है अभी? यहां तो अपने मम्मी पर साक्षात भगवान अपने घर में है, पर यहां पे ऐसे भी लोग 10-10 दिन तक बात नहीं करते। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि आप बड़े हो गए, आप बहुत ज्यादा सीए का घर में आ गया बहुत। सीए, अरे सीए बनने के बाद में खुश तो होने वाला कोई चाहिए? कुछ नहीं है उनके बगैर। अगर मैं आपकी जगह पे होता ना तो माँ का समय इतना पढ़ता ना, मैं इतना पढ़ता ना है 16 घंटे ठोक देता इस बार। ये अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट, और मेरे माँ बाप को खुशी देता। कितने धोखे कभी पापा को देखा है कभी? सो बर्डनड इज घर चलाना इतना आसान। कई लोगों को लगता है ना पापा कुछ नहीं करते, पापा प्यार नहीं करते, ऐसा मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना। माँ वो होती है जो बोल जाती है, पापा के जुबान से शब्द ही नहीं निकलता, प्यार सब यहां पे दबा के रखा है। उनकी एक्टिविटी से प्यार बहता है, जुबान से नहीं। बहुत प्यार करते हैं माँ से भी ज्यादा, पर कुछ लोगों को जताना आता है ना और कुछ लोगों को नहीं आता है। इसलिए हर कोई बच्चों के लगता है बाप मुझसे प्यार नहीं करता। मेरी डॉटर को भी यही लगता है, अंकिता उससे बहुत प्यार करती, इसलिए दिन भर माँ माँ करती है, पापा नहीं करती। मैं जानता हूं मैं उससे कितना प्यार करता, दर्द उसको होगा मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, इतना प्यार करता हूं मैं उससे। बट व्हेन यू बिकम अ फादर यू कांट एक्सप्रेस, द प्रॉब्लम इज यू कांट से योर डॉटर और सन हाउ मच ही लव्स यू। बोल ही नहीं पाता हूं मैं, आई बिकम स्पीचलेस।
पर कैसे बोलूं मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, बोल ही नहीं पाता। मां पूरे समय साथ में रहती है, 9 महीने संभाला है। डैड से पूछना कभी आप कैसे आप, बोलेंगे बेटा एब्सोल्युटली फाइन। हजारों चीजों का दर्द है यहां, फिर जुबान पे आंखों पे। आप कभी अकेले मिला पापा हाउ आर यू, एकदम एज इफ नथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग इन द किसी भी साथ में, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। कई लोगों के घर पे आने की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पर डैड ने बोला जा बेटा जा, मैं संभाल लूंगा, देख लूंगा, तू टेंशन मत ले, तुझे मैं कर लेता हूं। ये डैड होता है, संडे को भी काम करता वो डैड होता है, फैमिली को फाइनेंस देने वाला वो डैड होता है, घर चलाना मुंह का खेल नहीं होता। आप कहां से? बठिंडा से है ना? ये बच्चा बठिंडा से है, खड़े हो जाना। या भी है फाउंडेशन पास हुआ, अभी नए बैच के लिए आया है, इसके डैड छोड़ने हैं उसको। क्या है ये? 2000 किलोमीटर बठिंडा यहां से यहां पे रखा। हम लोग सब बहुत फॉर्चुनेट है कि ऐसे मां बाप मिले, छोड़ रहे तो दूर आके, और हमने इसे मिसयूज करना सीखा है। मत करना यार, मेरे लेक्चर को देख के 2-4 दिन मोटिवेट रहेंगे, बाद में अपने अपने जैसे हो जाएंगे। मत करना यार ऐसे, कम से कम मेरे लिए नहीं उनके लिए, आपको पढ़ना है। आई नो योर मॉम डैड हू एवर इट इज, दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर सक्सेस। एक बच्चा बोलता है सर आप कहते थे बहुत पढ़ बेटा, बहुत पढ़ बेटा, बहुत पढ़ बेटा, बहुत पढ़ बेटा, मैं आपकी मोटिवेशन लेक्चर को देखते देखते पढ़ता आया। सर आपने गलत बोला, माँ बाप बहुत खुश होंगे, आपने सर बहुत गलत किया मेरे साथ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? आपने कहा था मेरे माँ बाप बहुत खुश होंगे, मैं मेरे डैड के लिए सही कर रहा था, डैड के लिए सही कर रहा था, रिजल्ट आने से पहले ही उनका डेथ हो गया। सर लोग अपना रिजल्ट को देख के खुश होते हैं, लोग अपना रिजल्ट को देख के पास था खुश होते हैं, और मेरे रिजल्ट पे मैं रो रहा था, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा था मैं पास हूं, और मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, मैं सिर्फ मेरे डैड को याद कर रहा था। काश अगर वो होते और रिजल्ट देख लेते ना सर, He would have been the most happiest person. But sir, मेरी किस्मत खराब है। He is no more to see my result. किसको बताओ? सर मैंने अपने रिजल्ट के बारे में किसको भी नहीं बोला। ये मैं जानता हूं, सही मेरी माँ जानती है कि मैं पास हुआ। किसको बताऊं? जिसने सीए का एडमिशन करवाया, जो मेरे सीए का कारण था, खुदा ने छीन लिया मुझसे। इतना टाइम स्पेंड करना ना आपने, कम वॉट एवर इट इज, एवरी वीक आई मेक श्योर आई एम स्पेंडिंग एटलीस्ट 6 to 7 hours विथ माई मॉम डैड। दुनिया इधर उधर हो जाए, सैटरडे 3 घंटे, संडे 3 घंटे मुझे अपने माँ बाप के साथ में बिताना है। रोज मैं घर जाता हूँ, कुछ काम नहीं करता, बैग रखता हूँ, मेरी माँ इंतजार करती रहती है, मैं बाजू में जाके ऐसे कंधे पे डाल के सो जाता हूँ। वो ऐसा ऐसा करेंगे मुझे, मेरी बोलने की हालत नहीं होती, वो बोलती है मैं हाँ करता हूँ, पूछ लेता हूँ माँ तुम ठीक हो, उसको बड़ा सुकून लगता है। एक दिन ऐसे ही हुआ, मेरी जिंदगी में परिवर्तन देखो। मैं घर से निकल रहा था, बहुत क्लास का रश रश रश, मैं रोता क्यों आप पूछेंगे ना मुझसे, रोता क्यों मैं? मुझे हमेशा एक चीज़ अखरती है कि मैं जितना टाइम स्पेंड करना चाहिए ना मेरी माँ बाप के साथ में, जितना और करना चाहिए उतना मैं कर नहीं पाता हूँ, और मे बी आप भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कमिटेड, डेडलाइंस, बैच होना चाहिए मतलब होना ही चाहिए, ड्यू डेट पे रिटर्न सबमिट होना चाहिए मतलब होना चाहिए, मैं भी वही करता हूँ। लगता है कि मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए।
कर नहीं पाता इसलिए रोता हूं. स्टिल आई मेक श्योर 3 आवर्स आई एम स्पेंडिंग. सैटरडे संडे मोबाइल स्विच ऑफ करके माँ के साथ बैठता हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ. कॉफ़ी शॉप पे जाना तो कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, कहीं जाना तो जाते हैं, मैं, मेरे मम्मी और पापा. फिर उसके बीच में ना जियाना ना अंकिता, कोई भी नहीं रहेगा, हम तीनों टाइम स्पेंड करेंगे. सर क्या बात कर लेते आप ऐसे? कुछ भी नहीं सर. फिर क्या होता क्या है? बस मेरी माँ को और डैड को बहुत तसल्ली मिलती कि आज मैं उनका बेटा हूँ. हुआ क्या था मालूम, कि एक दिन मैं बहुत रश में निकल रहा था, ऑफिस जा रहा था. लगातार 3-4 दिन ऐसे हो ना मेरा, बहुत रात को लेट आ रहा हूँ, सवेरे जल्दी आ रहा हूँ. तो मेरी माँ कहती है कब तक चलेगा ऐसे? मैंने कहा माँ मतलब? नहीं, मैंने पूछा कब तक चलेगा ऐसे? मैंने कहा माँ अभी काम है तो जाना पड़ेगा. मेरी कहा माँ कहती है एक बात मत बुलाना बेटा, एक बात मत बुलाना, जो काम करना है करना, मेरी जिंदगी का भी आखिरी समय आएगा. उस समय मैं स्पीचलेस हो गया. मैंने कहा मां मैं क्या बोल रही हूं आप? लगता है बेटा कभी कभी तुझे सीए करके मैंने गलती करवा दी. मेरी मां कहती है मुझसे, ऐसे आपके मां बाप को भी कभी कभी फील हो जाता होगा. पागलों समान कॉल करते अपन फोन नहीं उठाते. They want to talk to you, you don't talk to them. बेटा तुझे सीए करा के मैंने गलती तो नहीं कर दी? मैंने कहा क्यों माँ? तरस जाती हो रे बात करने के लिए. जब तू सीए कर रहा था लगता था कि तू एक समय मेरे पास में आएगा, अब तो पास में आ गया, तू काम में इतना बिजी रहता है. उस समय मैंने सोच लिया भाई दुनिया भाड़ में जाए, नाउ आई हैव टू चेंज माई लाइफ स्टाइल. तब से लेकर मैंने कभी छोड़ा नहीं. कम वॉट में अपने को सैटरडे संडे मेरी मॉम डैड के साथ में रहना है, बाकी क्या ऊपर नीचे होगा देख लेंगे, पैसा कम मिलेगा चलेगा. तब से शी फील सो नाइस. एक बारी मेरी माँ ने ऐसे ही जिद की, उसने सुना ये लेक्चर मैं देता हूँ बहुत जगह पे, कहता तू लेक्चर देता तो बहुत लोग आते हैं मैंने सुना. मेरी माँ कहती मुझे, बोल तेरे फोटो में बहुत लोग रहते हैं. मैंने कहा हाँ मम्मी. अब मैंने ये बहुत जगह पे दिया हुआ लेक्चर है, भारत के हर कॉर्नर में हो गया, अभी तो 100 से ज़्यादा बार बोल चुका होगा मैं, चाहे तुम बठिंडा बोलो, चाहे चंडीगढ़ बोलो, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, हर जगह पर. मेरी माँ क्या कहती है तू क्या बोलता क्या है लेक्चर में? मैंने कहा माँ कुछ नहीं, लोग आ जाते हैं. बोले आ जाते. बोले मैं तेरे लिए अगली बार जब मोटिवेशन लेंगे ना तो मैं यहाँ आती हूँ तेरे लेक्चर में. मैंने कहा नहीं, जो कहा है ना, जो कहता हूँ इससे तुम्हारी संस्कार की वजह से बोलता हूँ, और मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ कि मैं तुम्हें ज्ञान दूँ. जो भी सीखा है आपसे सीखा है, आपके संस्कार है जिसकी बातें मैं करता हूँ. मेरी माँ को रहा नहीं गया, पेन ड्राइव मंगाया उसने ऑफिस से, लेक्चर रिकॉर्ड भी हुआ था और देखा उन्होंने जो मैं बात कर रहा हूं अभी. अब कोई मां ये सुन रही उसका बेटा क्या बोल रहा है. तो मैं घर पे आया, इतना हक किया, मुझे समझ रहा नहीं हुआ क्या है. आज अचानक से मम्मी को हक किया और रो रही है. बोल तू क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? बोल तू इतनी कैसी बातें करने लगा है? मैंने कहा कब कहां? तो बोलती है मैंने लेक्चर देखा. मैंने कहा किसने कहा? बोले मुझे इच्छा हो गई थी, मैंने देख लिया. शी वॉज सो प्राउड. और मुझे बोलती है तो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है. मेरी माँ को कभी उसने ये नहीं पूछा मैं कितने पैसे कमा रहा हूं. बोले बेटा कभी तुझसे पैसे मांगे? नहीं मांग. कभी तुझसे मैं पूछती हूं? मैंने कहा नहीं मां. आज एक वादा कर दे. मैंने कहा मां आप बोलो वो करूंगा. तो कहती है जो लेक्चर है ना, तेरे से जो पढ़ने आते हैं उनको सबको तो देना. आज के बाद में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तो बोल सके बोलना कि तेरी माँ बाप के प्रति क्या प्रतिक्रिया है. मैंने कहा माँ ऐसा क्यों लग रहा है? बोले बेटा तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है.
शायद से किसी के माँ बाप कह देना कि वो बहुत बड़ा काम किया है, तो बच्चे शायद से इतने इंस्पायर नहीं होंगे, पर जब तू बोलता है ना तो बहुत इंस्पायर हो। तू नहीं जानता कितनी माँ बाप की तेरे को दुआ लगेगी। मैंने कहा माँ ठीक है, तब से मैंने सोच लिया है ये लेक्चर मैं बहुत लोगों को दूंगा। और जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ तो मेरी माँ को एक बार फोन लाता, माँ आज वो लेक्चर ले रहा हूँ, एंड शी फील सो प्राउड अबाउट इट, एंड आई ऑलवेज लव टू मेक हर फील प्राउड कि उसका बेटा कुछ तो समाज के लिए कर रहा है, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी दैट मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। और तू नहीं जानता जो कर रहा है, अगर मैं इस क्लास में से मान लीजिए आज 300 बच्चे बैठे होंगे यहाँ पे, अगर इसमें से 10 लोग भी चेंज हो जाए ना तो मेरा अचीवमेंट है वो। 10 लोग भी देखे तो, इतने लोग इस लेक्चर को देखते हैं यूट्यूब के ऊपर भी। अब मेरी बातें सुनेंगे आप, सुन के घर जाएंगे, फिर आज मॉम डैड से बात करेंगे क्योंकि आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, बिकॉज हर आदमी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत किया होता है, और फिर रोना हो जाएगा, वैसे ही मेरी बातों का भुला देंगे, फिर कल से वही रूटीन चलेगा, वही आपको रोना होगा कि सर आज मैं पढ़ाई कर सकता था बट आई डिड नॉट स्टडी। और हर आदमी सोचता मैं कल से पढ़ाई करूंगा, वो कल कुछ आता है नहीं। ये किक देने के लिए मैंने आपको लेक्चर लिया था ताकि आपको समझे कि ओनली 3 मंथ्स आर लेफ्ट, इट्स टाइम टू कम बैक, इट्स टाइम टू गेट रिचार्ज्ड, गियर अप, करो उनके लिए, विल बी सो प्राउड, बहुत मजा आएगा उनको आफ्टर सीइंग योर सक्सेस। 3 महीने यार, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद में लाइफ वैसे जीना जैसे आपको लग रहा है 3 महीने के बाद, समझे। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप सभी लोग देखें। जब भी मैं इस वीडियो को देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी माँ मुझे याद आती है। बहुत ही प्यारा वीडियो है, पर आपके दिमाग में आपके और आपके मम्मी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आपके मम्मी का फोटो है आपके पास में क्या? वो भी नहीं है, नहीं होगा यार। उस फोटो के लिए जगह है क्या तुम्हारे पास में? निकालो एक बार देखते हैं, मॉम डैड दोनों का किसका तो होगा। अब ये कह देना ना कि मेरे पास फोटो नहीं है तो जीने का अधिकार छोड़ दिया आप। एक फोटो आपको ढूंढना पड़ रहा है कि मॉम डैड का फोटो किधर है। वाह, एक आधा मिल जाएगा क्या? बहुत सारे, वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। है क्या? निकाला फोटो वॉलेट में? वेरी गुड, वॉलेट में तो ठीक लगा, वेरी नाइस। अब सिर्फ आपका फोटो, आप और ये वीडियो। Thank you.
क्या डिसाइड कर रहे हैं हम लोग अब? टाइम पास या पढ़ाई? कुछ बोलो मेरे भाइयों। सॉरी मैं आप सबको रुलाता हूँ, मैं रोता हूँ बिकॉज मैं पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ। एक चीज है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ये वक्त की नज़ाकत है, पर आपके उसमें टाइम नहीं ये भी सच्ची बात है। कैसे किया जाए इसके दूर? जल्द से जल्द पास हो जाएंगे ना, यू विल गेट इनफ टाइम टू थिंक एंड व्हाट स्टे विद देम, अदरवाइज हमें रहने का भी मिलेगा ही नहीं उनके साथ में। तो क्या करना चाहिए? पाक लोगों जैसे पढ़ना चाहिए, उनके होते हुए उनको बहुत हम लोग सेवा करना चाहिए, उनको अच्छे दिन दिखाना चाहिए, अपने पैसों से गिफ्ट देना चाहिए। एक साड़ी लाई थी मैंने 2000 रुपए की, माँ ने अब तक रखी है मेरे संभाल के। आर्टिकलशिप कर रहा था मैं, 2000 की साड़ी गिफ्ट, वाहियात साड़ी थी एक नंबर की। मैं आज देखता हूँ मैंने क्या दिया था मेरी माँ को, पर 2000 में उतना ही कुछ आया था मेरे पास और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, पर मेरी माँ का बेस्ट गिफ्ट है आज तक का। कहती तूने डायमंड सेट आज अगर दिया ना उसकी वैल्यू नहीं है, ये मेरे बेटे की पहली कमाई है। मेरे टूर, मेरे पैसों से जब मैंने उनको सिंगापुर मलेशिया भेजा, शी वॉज सो हैप्पी। वहां से मेरी माँ का फोन आता है सिंगापुर से, बेटा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सब तेरी वजह से देखने मिल रहा है। सीए करने के बाद मैं कभी कुछ किया ही नहीं उन्होंने मुझसे, मैं कितने बार बोलता रहा माँ ये गिफ्ट ले लो वो ले लो, एक जरा भी नहीं। जबरदस्ती टिकट निकाले थे मैंने, गई तो बहुत मजा आई और उनसे ज्यादा मैं खुश था। कभी तो मेरी माँ के लिए कुछ तो किया, वरना सब कुछ आज तक लिया तो है, दिया कुछ भी नहीं था। उसको खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा आप भी करना जरूर। ऐसे ड्रीम रखिए कुछ जो मैं बोल रहा, उस ड्रीम में आपके सपनों के बीच में माँ बाप को जरूर जगह देना। मैं घूमने नहीं जाऊंगा, हम घूमने जाएंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। मैं वाला पॉइंट हटा दीजिए आपके डिक्शनरी से, आपकी वजह से सीए नहीं बन रहे हो, और दिन रात क्या एफर्ट्स लेते आपको पता भी है, कितनी तकलीफ का सामना करना होता है एक बाप को, मम्मी पापा को आपको पता भी नहीं है। इट इज नॉट योर विक्ट्री, इट इज द विक्ट्री ऑफ योर फैमिली व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। या मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसके बाद में आप पूरे डायरेक्शन से पढ़ोगे इस लेक्चर को, जब भी ऐसा लगा बोल रहे हो तो मेरा 3 घंटे का लेक्चर मोटिवेशनल जो है वह आप देखना। आपको मेरी बात ही अच्छी लगे तो सब लोग को बोलना ये लेक्चर अच्छा है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपको लेक्चर देने में। आप जरूर बोलना सब लोग को, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो कभी माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं की तो जरूर बोलना। देखिए और जिंदगी में एक चीज याद रख लेना, जैसा हम पब्लिक के साथ करते हैं ना अपने साथ वैसा होता है, इट्स अ गेम ऑफ कर्मा। आज एसपीसी का नाम बहुत है, इसका यह मतलब नहीं एसपीसी का कोई किस्मत है, ऐसा नहीं है, इट्स ऑल कर्मा। हम अच्छा करेंगे, अच्छा बोएंगे, अच्छा आएगा। हमेशा सबका अच्छा सोचना, यही नीयत आपकी होना चाहिए। डिस्ट्रक्ट करने की नीति मत्ता नहीं होना चाहिए, अच्छे इंसान बनेंगे ना, सीए तो सब बनते हैं। आप दूसरों का अच्छा करिए, मेरी माँ कहती है हमेशा, तो दूसरों का अच्छा कर, भगवान अपने आप तुझे अच्छा करेगा। मेरा एक सब्जेक्ट था इसका, जिसकी वजह से मैं बहुत फेमस हुआ था
एक दिन आईसीए ने ऐसी छीन लिया एक नोटिफिकेशन देखे और बोलते कि सिलेबस से हट गए, दो दिन से मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मुझे टेंशन हो रही है कि मेरे साथ क्या हो गया। जिस सब्जेक्ट में मैंने बहुत नाम किया था भगवान ने मुझसे वही छीन लिया। मेरी माँ को जब समझा कि मैं इसलिए परेशान हूँ तो मेरी माँ कहती, बेटा तू तो मुझे ज्ञान देता है ना कि लॉ ऑफ कर्मा होता है। मैंने कहा हाँ, तो डरता क्यों है, तूने अच्छे कर्म किए ना जिंदगी में। मैंने कहा हाँ, पर माँ मेरा लॉ ऑफ कर्मा नहीं चल रहा है अब। बोले चलेगा बेटा, डोंट वरी। मैंने कहा माँ मेरे जिसमें नाम हुआ था वो सब्जेक्ट ही भगवान ने छीन लिया, इतनी मेहनत की थी मैंने उसमें और सब्जेक्ट ही डिलीट हो गया। आई वॉज क्राइंग, आई वॉज नॉट ईटिंग। मेरी माँ कह रही थी कुछ नहीं होगा तो टेंशन मत ले। माँ कहती तो अच्छा काम करता है ना। मैंने कहा हाँ माँ, मेरा एक एनजीओ चलाता हूँ मैं, काफी बच्चे रहते हैं उसमें। 3 लोग का ग्रुप है, हमने हाल ही में वहाँ पे कुछ ब्लाइंड बच्चों को लिया है, कुछ विधवाओं को लिया है, विडोज होती है ना, उनको हम लोग अपनी ओर से पूरा संभालते हैं। 100 कुछ तो महिलाएं हैं उसमें, ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे भी उनके साथ में नहीं और हस्बैंड भी नहीं है। माँ कहते इतना कुछ किया तो कुछ तो तूने अच्छा ही किया ना जिंदगी में। मैंने कहा माँ, तो कहती बुरा नहीं होगा तेरे साथ में, यकीन मानिए जितना मैं इनकम उस इसका सब्जेक्ट से कमा रहा था उससे ज़्यादा इनकम मुझे मेरा, तब जब इसका लॉन्च किया था तब मेरा EIS SM और IT नहीं था इंडिया में, इसका जैसे गया उससे ज़्यादा स्टूडेंट IT SM में हुए, उससे ज़्यादा स्टूडेंट CA फाइनल लॉ में हुए। मैंने माँ को कहा माँ तू सही कह रही थी, खुद के लिए स्वार्थी मत बन जाना, भगवान देगा उसको सब दिखता है, ये जैसा करते हैं वैसा पूरा वापस आता है। मेक श्योर कि आपसे लोगों को फायदा ही हो रहा है, आप जब भी कुछ कर रहे हो किसको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये अपनी मनोकामना होना चाहिए। आज ये लेक्चर देखिए मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है पर मैं जानता हूँ मेरे शब्दों की कीमत करने वाले बहुत लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत लोग रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, उनके लिए मैं आदर्श हूँ। मैं चाहता है ऐसे लोगों का जिंदगी में भला होगा ना, इनके माँ बाप बहुत खुश होंगे। अच्छा लगा मुझे आप सभी ने सुना है लेक्चर। आज लेक्चर होने के बाद अपने घर वालों से फ़ोन पर ज़रूर बात करें, मम्मी को फ़ोन लगाए, पापा को फ़ोन लगाए और थैंक्स और सॉरी ज़रूर बोलिए। थैंक्स इस चीज़ के लिए या आज तक उन्होंने जो हमारे लिए किया, सॉरी उसके लिए जो आज तक गलतियाँ हुई, वरना थैंक्स और सॉरी सॉरी बोलना घर वालों से होता ही नहीं। ऐसा ना हो जाए ज़िंदगी भर थैंक्स आपके ज़ुबान पर आया ही नहीं और एक दिन वो चले गए। आज दिल खोल के बोल देना माँ मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंस है, बस सिर्फ कभी कह नहीं पाता। कभी कभी माँ बाप को समझ ही नहीं आता कि बेटा उनसे कितना प्यार करता है, बिकॉज बेटा भी ऐसे कोई जाके थोड़ी बोलता मम्मी थैंक यू, ऐसा कभी बोलने का आदत थोड़ी ना होती है। पर आज मौका है, खोना मत। आज फील किया ना सॉरी बोल डाल, आज फील किया ना थैंक्स बोल दे, न जाने कितने उपकार किए उन्होंने हमारे ऊपर, गिनती में नहीं है कितना क्या किया होगा। प्लीज टॉक टू देम, कभी एरोगेंट मत रहना, कभी दुखाना मत। जल्द से जल्द CA बनना, उनके साथ जिंदगी बिताना, बाकी नौटंकी होता है बहुत लाइफ में तब करना जब वक्त मिलेगा। अभी 3 महीने बचे, 3 महीने में सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, 16 घंटे 3 महीने, दैट्स इट। कैसी पढ़ाई करना चाहिए मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, पढ़ाई कैसे करना है ऑल दैट। आज के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई करो बहुत ज़्यादा, दिस शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट। इसके बाद में अटेम्प्ट थोड़ी ना देना है,
एंड स्पेंड एज मच एज टाइम यू कैन स्पेंड विथ योर फैमिली. ठीक है ना? फोन करोगे आज? कुछ लोग लोकलाइट हैं यहाँ पे? कोई है? हाथ ऊपर करें. क्या करें, आप भी फोन पे बात करोगे क्या? फोन लगा के मम्मा ऐसा 10 मिनट छोड़ने का नहीं, इतना जोर से हक करने का. और कुछ लड़के लड़कियां जो ना पापा से डरते हैं, दिल खोल के इजहार करना आज. पापा का सम्मान करते डर करते बात अलग है, पर जुबा से बोल भी देना कभी. कुछ लड़कियां लड़के नहीं, पापा इस बैठे ना दूर भागते इधर, वो अलग बात है, रिस्पेक्ट करते हैं हम, अच्छी बात है, पर जुबान पे लाएगा नहीं तो बापू समझेगा ही नहीं कि हम कितना प्यार करते. मौका मत खोना आज. अंकिता यही कहती है, मैं कभी थैंक्स ही नहीं बोल पाई मेरे डैड को. ऐसा नहीं होना चाहिए अपने साथ. उसको सब याद आता है अभी, कहाँ कहाँ पे वो बचपन में घूमे थे, कौन सी होटल में गए थे. एक दिन एक होटल में गए, वहां पे शी स्टार्टेड क्राइंग. मैंने कहा क्यों रो रही है? इस होटल में पहली बार पापा ने लाया था मुझे. ऐसा नहीं होना चाहिए अपने साथ. जो दिल में यहाँ पे है ना, पूरा बोलना है, बॉन्डिंग बढ़ाना है. आपके पापा मम्मी आपके दोस्त है, सच्चे दोस्त है, कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे. शायद से कुछ लोगों ने फील करा होगा ऐसे, राइट? ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर गाइड, यू कैन स्पीक टू हिम, स्पीक टू हर लाइक एनीथिंग. वो बॉन्ड मत खोना, राइट? डोंट मेक देम फील लोनली. ओके, अच्छे से रहना. ओके, नाइस. या एवरीवन फॉलो करेंगे आप? और अगर आपको इस लेक्चर के बारे में फीडबैक देना है तो जरूर देना मुझे. आई वुड लाइक टू लिसन. अगर आपके लाइफ में कोई परिवर्तन आए तो जरूर बताना मुझे. मेरा नंबर मैंने शेयर किया हुआ है. आपको लगे कि आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन आ रहा है तो जरूर बताना, है ना? थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. लेक्चर ओवर. या ओके. ऐसे रोना किसी गैरों के सामने नहीं आता. मेरे शब्दों को वापस सुनना. आप किसके भी सामने जाकर रो सकते हैं? आपने आज तक लाइफ में किसके सामने रोया? कोई अपना लगता तब ना, मैं आपके सामने रो रहा हूं. ऐसे आप जाके बोलेंगे सर एक काम करो यहां पे जाके रो लो, पागल है क्या? ऐसे कैसे रो लो? देयर शुड बी सम बॉन्ड बिटवीन यू एंड मी. आई फील समथिंग फॉर यू. आपके सामने मेरी मन की बात रख सकता हूं मैं. बिकॉज इट्स बीन 2.5 months वी आर सो अटैच्ड टुगेदर. कल शाम कोई बैच खत्म हो जाएगी, देन आई विल बी मिसिंग यू सो मच. याद आएगी मुझे आपकी बहुत. बहुत याद करूंगा मैं आपको. चलो और नहीं बोलूंगा, रो पड़ूंगा अभी. ठीक है क्या? चलो सी यू लेटर. बाय बाय, है ना? टेक केयर. जा रहा हूं मैं. अपने आप को संभाल लेना. अभी सारी लड़ाई आपको अकेले लड़ना है, ठीक है? ओके गाइज, टेक केयर, बाय.
कौन से सेक्शन के मुद्दे और एनसीईआरटी को अप्लाई करके एनसीईआरटी पावर कौन से सेक्शन की यूज करेगा? 242 के यूज करेगा। और गलती से किसी डायरेक्टर को निकाल दे तो उसको वापस 5 साल तक नहीं लेंगे, ऐसा कौन सा सेक्शन लेना है? 43। बिजनेस वैल्यू ऑफ देयर एवरीबॉडी नाउ। आजकल इंटरनेट की वजह से और टेलीकॉम की वजह से बताओ कौन सी चार चीजों में बढ़ोतरी हो रही है? जवाब दो, जवाब दो। मेरे सारे फ्रेंड्स वो क्लिक करके हाँ क्या हाँ क्या आगे बोलो। व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट गाइस? कॉस्ट? अरे भाई जब से टेलीकम्युनिकेशन, जब से स्काइप, पहली बात तो कल्चर यह है तो ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। वेन एवर यू मेक स्ट्रेटेजी यू शुड अंडरस्टैंड द कल्चर। इफ द कल्चर एंड स्ट्रेटेजी इज गोइंग अगेंस्ट इट वॉन्ट बी इजी। जवाब देना है कितने दिनों के अंदर अदर क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। एक पूरा एग्रीमेंट बनेगा। अब मान लीजिए ऐसा कंपनी में हो रहा है और आलिया भट्ट और प्रियंका के साथ में ऐसा गलत हुआ तो अब एनसीएलटी क्या बोलेगा? आज के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सब कर सकता हूँ। रोज में बच्चों चीजें ऐसी है, इस उम्र में इंसान की उम्र कुछ अलग काम करने की होती है।